दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के रजवाड़ों की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुई लखनऊ की विस्फोटक बल्लेबाजी। जी हां दोस्तों, राजस्थान और लखनऊ के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान के गेंदबाजों की धाकड़ शुरुआत के सामने लखनऊ के बल्लेबाज दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो गए, तो वहीं वापसी कर बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने सितारों से सजी राजस्थान की टीम हक्की बक्की रह गई। तो आखिरकार कैसे राजस्थान के गेंदबाज और लखनऊ के बल्लेबाजों के बीच करारा घमासान देखने को मिला, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, केएल राहुल, क्विंटन डेकॉक और संजू सैमसन में से कौन खतरनाक बल्लेबाज है? अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 26वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो महान और आईपीएल 2023 की सबसे मजबूत टीम राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया, जहां पर यह मुकाबला राजस्थान के घरेलू मैदान पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर 4 सालों के बाद खेला गया, जिसमें इस मुकाबले के अंदर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया, जहाँ पर दोनों टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। जहाँ लखनऊ की टीम में मार्क वुड की जगह नवीन उल हक की एंट्री हुई है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के लिए एडम जयंपा की जगह जेसन होल्डर की एंट्री हुई। और इस बीच लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत दो विस्फोटक सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स और कप्तान केएल राहुल ने की, तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अनुभवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने की, जो अपने पहले ओवर में विरोधी बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और इस बीच पहली ही गेंद पर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को ट्रेंट बोल्ट ने लगभग आउट कर दिया, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के सामने राहुल आउट होने से बाल बाल बचे। लेकिन इसके बाद ट्रेंट बोल्ट की जबरदस्त गेंदबाजी के चलते केएल राहुल काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए और पूरे एक ओवर में एक भी रन नहीं बना पाए, जहां पहला ओवर मेडन के रूप में साबित हुआ, जिसके बाद अगला ओवर कराने के लिए संदीप शर्मा आते हैं, जिन्होंने पहली गेंद पर मेयर को परेशान किया, लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेला और ट्रेंट बोल्ट ने एक मुश्किल सा कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस कैच को वो पकड़ नहीं पाए, जिसके चलते मिस फील्डिंग के दौरान चौका भी निकल गया था। और इसी के साथ काइल मेयर्स ने अपना और अपनी टीम का खाता 4 रनों के साथ खोला। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने भी अच्छा चौका लगाकर अपना खाता शाही अंदाज में खोला था और दूसरे ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 12 रन बटोरे। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट आते हैं, जहां पर काइल मेयर्स ने दूसरी गेंद पर 2 रन लिया, लेकिन इसके बाद गेंदबाज ने ऐसी वापसी की कि बल्लेबाजों के होश उड़ गए थे और बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष के साथ ओवर में मात्र 2 रन ही बना पाए। और इस ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजों की जीत हुई, लेकिन इसके अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए संदीप शर्मा दोबारा से आते हैं, जहां पर उन्होंने पहली ही गेंद पर राहुल को काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने 6 रन के स्कोर पर केएल राहुल का पहली ही गेंद पर आसान सा कैच छोड़ दिया था और यहां बल्लेबाज को जीवन दान मिला। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद पर रन आउट होने से वो बाल बाल बचे, लेकिन ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने मात्र 4 रन दिए और बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा दबाव बना दिया था। और ऐसे में अब बल्लेबाज और गेंदबाज में से किसी एक को आक्रामक होने की आवश्यकता थी। तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ट्रेंट बोल्ट के सामने काइल मेयर्स ने 69 मीटर का लंबा छक्का लगाकर बाउंड्री की शुरुआत की थी और इस ओवर में और विस्फोटक रुख अपना लिया, तो दूसरी तरफ से राहुल ने नजाकत भरा चौका लगाकर ओवर को और भी ज्यादा खराब कर दिया। लेकिन इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल को फंसा दिया और जेसन होल्डर ने लॉन्ग ऑन पर खड़े होकर कप्तान केएल राहुल का 12 रन के स्कोर पर आसान सा कैच छोड़ दिया था और कप्तान को एक बड़ा जीवन दान दिया। ओवर में 13 रन आए थे और इसी बीच पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए फिरकी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आते हैं। उन्होंने बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन बल्लेबाजों ने एक चौके के साथ 6 रन बटोरे और पावर प्ले में लखनऊ ने 37 रन बिना विकेट खोकर बना दिए थे। और जिस अंदाज से गेंदबाजी और बल्लेबाजी झल रही थी, उसे देखकर लग रहा है कि मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा और 180 रनों के आंकड़े पर लखनऊ पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, लखनऊ की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।